अगर आपका YouTube चैनल है लेकिन ग्रो नहीं कर रहा है, या फिर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि YouTube चैनल शुरू नहीं कर पा रहे हैं, कि कहीं आपका चैनल चला नहीं तो क्या होगा, तो इन सब उलझनों और परेशानियों से बाहर आ जाइए, क्योंकि क्विक सपोर्ट इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि अपने YouTube चैनल को आप कैसे तेजी से ग्रो करा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं YouTube चैनल को तेजी से ग्रो कराने के 19 यानी कि 19 प्रैक्टिकल और इफेक्टिव तरीके। सबसे पहला तरीका है कि ट्रेंडिंग वीडियोस बनाइए। आपने अपने चैनल के लिए जो कैटेगरी चूज की है उससे रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन पर तुरंत एक अच्छा वीडियो बना सके। ऐसा करने से आपको अपने फील्ड में लीड मिल सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके चैनल से जुड़ सकते हैं। इसलिए वायरल कंटेंट को आइडेंटिफाई करना सीखिए और सबसे पहले उस पर वीडियो बनाइए। लेकिन ध्यान रखिए कि आपका वायरल कंटेंट ऑथेंटिक जरूर हो और आपके चैनल से रिलेवेंट भी हो। नंबर दो पर आता है आपका कंटेंट यूजफुल और सर्चेबल हो। आपको अपनी नॉलेज के फील्ड में ही कंटेंट तैयार करना चाहिए, तभी आप सही इन्फॉर्मेशन आसान रूप में व्यूअर्स तक पहुँचा पाएंगे। इसके साथ साथ आपका कंटेंट यूजफुल भी होना चाहिए और सर्चेबल भी, यानी कि जिसे सर्च किया जा सके, क्योंकि लोग वही सर्च करते हैं जो उनके लिए यूजफुल हो, काम का हो। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो अपने व्यूअर्स या ऑडियंस के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाएंगे और उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि इससे उन्हें फायदा होगा। इसलिए अगर अपने यूट्यूब चैनल का फायदा चाहते हैं तो पहले अपनी ऑडियंस के फायदे के बारे में सोचना शुरू करना होगा। आपको फेवरेबल रिजल्ट्स जल्दी ही मिलने शुरू हो जाएंगे। ये भी याद रखिए कि आपका कंटेंट जितना जल्दी और कंसिस्टेंसी के साथ ऑडियंस तक पहुंचता रहेगा, उतना ही आपके वीडियोस और चैनल के प्रति इंटरेस्ट और फेथ भी बढ़ेगा। आगे नंबर तीन पर है, वीडियो क्वालिटी इम्प्रेसिव होनी जरूरी है। YouTube पर अपने लिए परफेक्ट कैटेगरी चूज करने और यूजफुल और सर्चेबल कॉन्टेंट तैयार करने के बाद आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा, बल्कि आपको आगे ऑडियो और विजुअल्स पर भी अपनी कमांड बनानी होगी। आपके चैनल पर आने वाले ऑडियो क्लियर और इम्प्रेसिव होने चाहिए और वीडियो क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि आपके चैनल पर विजिट करने वाली न्यू ऑडियंस आपके चैनल पर बार बार आना चाहे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करे। इसलिए क्वालिटी के मैटर में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करें, और वीडियो हो या ऑडियो या फिर कॉन्टेंट ही क्यों ना हो, इन सब की बेटर क्वालिटी दीजिए और टाइम टाइम पर इनमें सुधार भी करते रहिए। नंबर चार पर आता है, टाइटल सही चुनिए। इस डिजिटल वर्ल्ड में अपने वीडियो को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको उसकी सही मार्केटिंग करनी होगी, और मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होती है प्रेजेंटेशन, और आपके वीडियो की परफॉर्मेंस सबसे पहले उसके टाइटल से पता चलती है। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस उससे अट्रैक्ट हो जाए और वीडियो ओपन करने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए सबसे पहले दिमाग में आने वाले टाइटल को फाइनल करने के बजाय थोड़ा सा सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, क्योंकि टाइटल परफेक्ट तो व्यूज ज्यादा, सब्सक्राइबर्स ज्यादा और चैनल की ग्रोथ तो पक्की है। वैसे आपको बता दें कि जिन वीडियोस में हाउ टू और बेस्ट ऑफ जैसे टाइटल्स होते हैं, उन वीडियोस को ज्यादा देखने के चांसेस होते हैं। और हाँ, आपके वीडियो के टाइटल्स 41 से 70 यानी कि 41 से 70 के कैरेक्टर्स के बीच में होने चाहिए, और टाइटल की शुरुआत में कीवर्ड का यूज करने की कोशिश भी आपको करनी चाहिए। अपने वीडियो के लिए सूटेबल टाइटल सर्च करने में आप गूगल कीवर्ड प्लानर और ट्यूबबडी जैसे टूल्स की मदद भी ले सकते हैं। आगे नंबर पाँच पर है, एसईओ का सही तरीके से यूज करें। YouTube चैनल को तेजी से ग्रो करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका वीडियो गूगल सर्च में ऐसी पोजीशन पर तो जरूर आए जिसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस क्लिक करे और आपके वीडियो तक पहुंचे। और इसके लिए आपको एसईओ इम्प्रूव करने के लिए ये टास्क कंप्लीट करने होंगे। टारगेट कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर और ट्यूबबडी जैसे टूल्स के अलावा यूट्यूब सर्च की मदद लीजिए। कीवर्ड्स को अपने वीडियो में भी मेंशन करिए, यानी वीडियो बनाते टाइम उसमें भी उन कीवर्ड्स का नाम लीजिए जो आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में शामिल किए हैं। ऐसा करने से यूट्यूब को ये समझने में आसानी होती है कि आपका वीडियो किस बारे में है। यूट्यूब लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज जैसे एंगेजमेंट के जरिए ये तय करता है कि आपका वीडियो सर्च रिजल्ट में कहाँ रैंक करता है। इसलिए अपनी ऑडियंस को लाइक कॉमेंट करने के लिए जरूर कहे और एंगेजमेंट पर ध्यान देंगे तो व्यूज अपने आप बढ़ते जाएंगे। अपने चैनल और वीडियो की कैटेगरी चूज करें ताकि YouTube आसानी से समझ सके कि किस कैटेगरी की ऑडियंस को आपका वीडियो दिखाना है। अपने वीडियोस में टैग्स यूज करके भी आप YouTube को अपने कंटेंट के बारे में ज्यादा क्लियर डिटेल दे पाएंगे, और YouTube आपके टैग्स की मदद से आपके कंटेंट को उस कैटेगरी की ऑडियंस तक पहुंचा पाएगा जिनके लिए आपने वो वीडियो बनाया है। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि टैग आपके वीडियो और चैनल से जुड़े भी हो और लिमिटेड भी। आपको अपने एसईओ को लगातार इम्प्रूव भी करते रहना होगा।
इसी के साथ नंबर 6 पर आपको करना है कि वीडियो डिस्क्रिप्शन पर ज्यादा ध्यान देना है। आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपके चैनल की ग्रोथ में कितना हेल्पफुल होता है शायद आपको पता नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्शन आपके वीडियो के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके व्यूअर्स को देता है, जिसकी हेल्प से व्यूअर्स आपके वीडियो को सर्च रिजल्ट में ढूंढ सकते हैं और आपके वीडियो में आप क्या बताने वाले हैं ये जान सकते हैं। सही तरह से लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन आपके व्यूज और वॉच टाइम दोनों को बढ़ा सकता है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन को इग्नोर करने की बजाय इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यूज करके डिस्क्रिप्शन तैयार करें। सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में लिखिए। कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में शामिल जरूर करें, लेकिन ढेर सारे कीवर्ड्स से डिस्क्रिप्शन को बोझिल बनाने से बचे। डिस्क्रिप्शन को शुरुआती कुछ लाइंस में ही एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका वीडियो किस बारे में है। इसमें सर्च फ्रेंडली कीवर्ड्स और नेचुरल लैंग्वेज का यूज करें। सोशल लिंक्स और चैनल रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शो मोर का यूज करें, यानी जब व्यूअर इस पर क्लिक करे तभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो हो। रिलेटेड वीडियोस की प्लेलिस्ट को भी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक कर सकते हैं। अपने डिस्क्रिप्शन के इम्पोर्टेंट पार्ट में अपने वीडियो से रिलेटेड हैशटैग्स भी आप यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को एडवर्टाइजर फ्रेंडली बनाने के लिए अपने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ टाइटल और टैग्स को भी एकदम एक्यूरेट लिखिए। और इसी के साथ पहुंच गए हैं हम नंबर 7 पर, जहां पर आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना है, एंड स्क्रीन का प्रॉपर यूज करिए। एंड स्क्रीन एक पावरफुल टूल है जो आपके चैनल का वॉच टाइम बढ़ा सकती है, क्योंकि ये एंड स्क्रीन आपके व्यूअर्स को दूसरे वीडियोस को देखने का सजेशन देती है। इसका यूज आप अपने वीडियो के लास्ट 5 से 20 सेकंड पर कर सकते हैं। एंड स्क्रीन का यूज करके आप व्यूअर्स को अपने चैनल के दूसरे वीडियोस, प्लेलिस्ट या यूट्यूब पर आपके दूसरे चैनल्स पर जाने का सजेशन दे सकते हैं। आपके चैनल को सब्सक्राइब करना याद दिला सकते हैं और अपनी वेबसाइट को प्रमोट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसका फायदा जरूर लीजिए। नंबर 8 पर आपको आई बटन का यूज करना है। अपने वीडियो में आई बटन का यूज भी कीजिए, ताकि इस बटन पर क्लिक करके आपके वीडियो से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस आसानी से देखे जा सके। ऐसा करने से व्यूअर्स के लिए एक ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस तक पहुंचना आसान हो जाएगा और आपके लेटेस्ट वीडियो के साथ साथ प्रीवियस वीडियोस को भी ज्यादा व्यूज और वॉच टाइम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि अभी के अभी आप ये जो आई बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड हमारा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जो है कि यूट्यूबर कैसे बने, तो आप इसको बाद में देख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल हमें ये वीडियो कंटिन्यू करना होगा। आगे नंबर 9 पर है यूट्यूब एनालिटिक्स का यूज करें। यूट्यूब एनालिटिक्स के जरिए आप अपने वीडियो का वॉच टाइम, एवरेज व्यूज ड्यूरेशन, ऑडियंस रिटेंशन, एंगेजमेंट, सब्सक्राइबर ग्रोथ, व्यूअर्स जेंडर एंड ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसी सारी इम्पोर्टेंट जानकारियां ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने वीडियोस को लगातार इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप एनालिटिक्स को समझकर वीडियो बनाएंगे तो ये वीडियो आपकी टारगेट ऑडियंस की जरूरत के अनुसार होंगे और ऑडियंस आपकी वीडियोस से सेटिस्फाई होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पर। आपको एक काम करना है, बेस्ट टाइम पर अपना वीडियो पब्लिश करें। एग्जैक्टली, टाइम बहुत जरूरी चीज है। आपके वीडियोस के लिए बेस्ट टाइम वो है जब ज्यादा से ज्यादा टारगेट विजिटर्स आपके वीडियोस को देखते हैं। आप इसका पता आसानी से YouTube एनालिटिक्स के जरिए लगा सकते हैं और उस बेस्ट टाइम पर अपने वीडियोस को पब्लिश कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम अक्सर दोपहर 12 से 4 बजे का माना जाता है। थर्सडे और फ्राइडे को वीडियो पब्लिश करने के लिए बेस्ट डेज माने जाते हैं और सैटरडे और संडे को सुबह 9 से सुबह 11 बजे का टाइम गुड टाइम माना जाता है। बाकी आपके चैनल के रेगुलर एनालिसिस से आपको अपने वीडियोस के लिए बेस्ट टाइम आसानी से पता चल जाएगा। नंबर 11 पर आपको करना है कि अपने वीडियोस में सबटाइटल यूज करें। अगर आप अपने वीडियोस को इंटरनेशनल लेवल तक अप्रोच दिलाना चाहते हैं तो ट्रांसक्रिप्शंस की हेल्प लीजिए और उसे अपने वीडियो में सबटाइटल्स के रूप में यूज करें, ताकि आपके अदर लैंग्वेजेस समझने वाले व्यूअर्स भी आसानी से आपके वीडियो को समझ सके और इस तरह लैंग्वेज बैरियर हटने से आपके चैनल को ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिलने लगेंगे। नंबर 12 पर है, ब्रांड्स और अदर क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कीजिए। न्यू ऑडियंस तक पहुंचने के लिए बहुत से यूट्यूब स्टार्स दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और इससे ये फायदा होता है कि दूसरे क्रिएटर के सब्सक्राइबर्स आपके चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करने लगते हैं, क्योंकि वो उस क्रिएटर पर ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं। इससे आपके चैनल की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। लेकिन ये भी याद रखें कि ऐसे में एक क्रिएटर के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप सही पार्टनर चुने जिसके वीडियोस ऑथेंटिक हो। नंबर 13 पर है, वाटर मार्क यूज करें। अपने वीडियोस में वाटर मार्क यूज करें जो हर वीडियो में आपके चैनल को प्रमोट करेगा, लेकिन इससे पहले आपको अपने यूट्यूब अकाउंट को वेरीफाई कराना होगा, उसके बाद ही आप वाटर मार्क अपलोड कर पाएंगे। नंबर 14 पर है कि लाइव स्ट्रीमिंग ट्राई करें।
लाइव वीडियो व्यूअर्स को बहुत पसंद आते हैं और YouTube पर लाइव वीडियोस के जरिए आप ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग वेबिनार्स, लाइव ट्यूटोरियल्स, क्वेश्चन आंसर सेशंस और प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन जैसे वीडियोस बना सकते हैं। नंबर 15 पर है वीडियो फाइल नेम में कीवर्ड यूज करें। अपनी वीडियो फाइल नेम का 1928 5700 जैसा कुछ भी रखने की बजाय सही कीवर्ड यूज करते हुए रखिए, ताकि गूगल आपके वीडियो के टाइटल में मौजूद कीवर्ड्स पर फोकस कर सके और वीडियो रैंकिंग बूस्ट हो सके। नंबर 16 पर यूट्यूब ट्रेलर आपको क्रिएट करना होगा। यूट्यूब ट्रेलर ऐसा शॉर्ट वीडियो है जो आपके चैनल के नए विजिटर्स को अट्रैक्ट करेगा और इस 25 से 30 सेकंड के छोटे से वीडियो में बेस्ट कंटेंट यूज करके आप व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आप कैसा कंटेंट बनाते हैं, आपके चैनल से जुड़कर उन्हें क्या बेनिफिट्स होंगे और इस तरीके से अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप उन्हें एनकरेज भी कर पाएंगे। नंबर 17 पर आपको करना है पेड यूट्यूब एड कैंपेन चलाए। आप गूगल एड्स या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए आप डिस्प्ले एड्स, ओवरले एड्स, स्किप करने वाले या नॉन स्किप करने वाले वीडियो एड्स, बम्पर एड्स और स्पॉन्सर्ड कार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। नंबर 18 पर है अपनी वेबसाइट में यूट्यूब वीडियो एम्बेड करें। अपनी वेबसाइट पर भी YouTube वीडियो एम्बेड करें, जिससे आपके वेबसाइट विजिटर्स आसानी से आपके वीडियोस को देख सके, शेयर कर सके और कमेंट कर सके। ऐसा करने से आपके वीडियोस को वेबसाइट और YouTube दोनों पर देखा जाएगा, जिससे लार्ज ऑडियंस ग्रुप तक आपकी अप्रोच बढ़ती जाएगी। और अब आखिरी यानी कि नंबर 19 की जो टिप है वो आपके लिए यही है कि वीडियो सीरीज शुरू कीजिए। अपने YouTube चैनल को प्रमोट करने के लिए आप एक स्पेसिफिक वीडियो सीरीज शुरू कर सकते हैं। ऐसी सीरीज व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती है और बार बार आपके चैनल पर आने का रीजन देती है। अपने वीडियो कंटेंट पर बेस्ड कोई कॉन्टेस्ट चला करके भी आप अपने चैनल पर ज्यादा व्यूअर्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, इन 19 पॉइंट्स के जरिए हमने YouTube चैनल ग्रो करने के लिए आपको सभी इफेक्टिव और रियलिस्टिक तरीके बता दिए हैं। आप इन्हें यूज कीजिए, लेकिन इन बातों को भी याद रखिएगा जो पहले वीडियोस में आपके साथ शेयर की गई है, जैसे कि एक YouTube चैनल को सही तरीके से ग्रो करने के लिए अट्रैक्टिव और वीडियो से रेलेवेंट थंबनेल ही बनाएं। अपने YouTube कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लेलिस्ट जरूर बनाएं। कॉल टू एक्शन का यूज करते हुए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट के लिए अपने व्यूअर्स से जरूर कहें। अपने YouTube चैनल को प्रमोट करने के लिए अपनी साइट पर भी YouTube वीडियो जरूर डालें और अपने वीडियोस को दूसरे सोशल चैनल्स पर अपनी कैटेगरी के लोगों के बीच शेयर और प्रमोट करें, ताकि आपको अच्छा वॉच टाइम भी मिल जाए और सोशल चैनल्स पे बहुत सारे व्यूज और सब्सक्रिप्शन आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि YouTube चैनल को आगे बढ़ाने में जिस जरूरी इन्फॉर्मेशन की जरूरत आपको थी वो अब मिल गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज आपके इस चैनल क्विक सपोर्ट को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत हमेशा रहेगी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लगे हाथ एक काम अभी के अभी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी के लिए रूबी आपसे कहेगी, मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें यूं ही अपने सवाल भेजते रहिए। धन्यवाद।